गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से अजमेर जिले के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब पूरे जिले का विकास करना रघु शर्मा की जिम्मेदारी बन गई है। डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर जिले के उन कांग्रेसी कद्दावर नेताओं में से हैं जिनकी पार्टी में एक अलग ही जगह है। इसी साल जनवरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में रघु शर्मा सांसद भी चुने गए थे। उन्होंने मौजूदा नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा को 80,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर शर्मा को केकड़ी की जनता से चुनाव जीतकर अपना विधायक चुना है। इस बार अशोक गहलोत सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला है, इसलिए जनता की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। कुछ दिन पहले ही रघु शर्मा ने अजमेर के सांसद पद से इस्तीफा दिया है और अब वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। लिहाजा जिस जनता का वोट पाकर रघु शर्मा यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर वही जनता अब अपने नेता से उम्मीद लगा रही है तो इसमें गलत ही क्या है। अजमेर वासियों की उम्मीदें, केकड़ी ब्यावर को जिला बनाया जा सकता है, अजमेर बने एजुकेशन और टेक्निकल हब, छोटे व्यापार को मिल सके बढ़ावा, स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो अजमेर का विकास, अजमेर में पेयजल समस्या का स्थायी हल निकले, बीसलपुर परियोजना के साथ और भी योजनाओं पर हो काम। आने वाले वक्त में अब रघु शर्मा को जनता से किए गए वादों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कुछ ही महीने बाद फिर से जनता के सामने वोट मांगने जो जाना है।